76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, दरभंगा से, जहां एक ऐसा परिवार जिसने न सिर्फ अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाया बल्कि अपने पूरे घर को ही तिरंगे के रंग से रंग दिया है। जी हां, आपको बता दें 76वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बता दें कि पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री इस अवसर पर देशवासियों से अपने अपने घर पर तिरंगा लगाने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर इस परिवार का देश प्रेम इतना है कि तीनों कलर के बीच अशोक चक्र भी बनवा दिया। तिरंगे के रंग में रंगे घर अब लोगों के लिए सिर्फ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बल्कि आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस घर को दूर दराज से देखने तो आते ही हैं, साथ में सेल्फी भी लेते हैं। यह घर दरभंगा के लहरिया सराय गुदरी बाजार में है। घर के मालिक तीन भाई हैं और तीनों भी की सहमति से घर को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। घर के लोगों ने कहा कि कोई नई चीज करने और देशभक्ति का जज्बा भी दिखे, इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने घर को तीन रंगों में रंग दिया है। अब जबकि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी हो रही है। लोग दूर दराज से आते हैं देखने और उनके मकान के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बलराम शाह गृह स्वामी हैं, जगदीश शाह गृह स्वामी हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं आखिरकार इन्होंने क्या सोचकर ये बड़ा काम किया है। आपको बता दें कि भारत उदय समाचार की ओर से 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं पूरे भारत उदय समाचार के दर्शकों को, साथ ही भारतवासियों को। सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। का एक विचार था कि कहूँ भी ऐसा ना हो और हम इस कलर को बनाया जाए ताकि आगे दिन के लिए उत्साह रहे, हर साल के तरह रहे, और हम तीनों भाई का यही विचार था कि को उत्साह बनावे और हर साल मनावे, इसलिए हम लोग कोशिश किए कि इस कलर को रखा जाए। क्या ऐसा च्वाइस होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तीनों भाई का विचार हुआ कि ऐसा बनाया जाए जो सबको याद रहे, तो इसीलिए मेरे भैया ने कहे कि नहीं, ये तिरंगा बना दिया जाए जो देश के लिए भी हो जाएगा और जो भी देखेंगे तो आकर्षण का केंद्र होगा। क्या नाम हुआ? I record.